पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम मिस्टर लाहौर के मुकाबले महफिल थिएटर में आए शायकीन आपस में ही गुत्थम गुत्था हो गए। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा बिलाल अकील से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा इस मामले के हवाले से। बिल्कुल जैनब जी, भाई जिस तरह से पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम जो है वो 69वीं मिस्टर लाहौर जूनियर मिस्टर लाहौर सीनियर के मुकाबलों का सिलसिला जारी था, वहाँ पर आए शायकीन जो है वो आपस में जगह ना मिलने के तनाजे पे जो है वो आपस में लड़ पड़े, जबकि एक दूसरे को थप्पड़ों और मुक्कों की बरसात भी करते रहे। इंतजामिया की जानिब से जो है वो खिलाड़ियों को आकर रोका गया और उनको 12 आगाही दी गई कि यहाँ पर ना लड़के, लेकिन जो यहाँ पर आए जो शायकीन है तो अभी भी यहाँ पर जब आवाज नहीं आ रहे और यहाँ पर जो है वो लड़ाई का माहौल जो है दोबारा से बन चुका है और यहाँ पर इंतजामिया की टीम जो है वो इन जो शायकीन थे जो लड़े थे उनको बाहर निकालना चाह रही थी, लेकिन अभी तक जो है वो मसला हल नहीं हो सका। जी बिलाल, फुटेज में देखा जा सकता है बड़ी तादाद में लोग हैं और लग रहा है कि ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, तो कोई पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया, पुलिस को नहीं बुलाया गया, क्योंकि जो इंतजामिया है महफिल थिएटर की उन्होंने तो कोशिश की है लड़ाई छुड़वाने की, लेकिन उसके बावजूद लड़ाई हो रही है। जी बिल्कुल, इंतजामिया को बार बार यहाँ पर पुलिस के कुछ एहलकार भी जो थे जो महफिल थिएटर के बाहर मौजूद थे, लेकिन ये महफिल थिएटर है, यहाँ पर जो है वो शायकीन की कसीर तादाद जो है वो आज मुकाबले देखने आई है और जिस तरह से आज ये मिस्टर लाहौर जूनियर और मिस्टर लाहौर सीनियर के मुकाबले हो रहे हैं और एक तवील अरसे बाद जो है वो बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले लाहौर में हो रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के इंतजामिया मौजूद थी उन्होंने दोनों जो पार्टियां थी उनको निकाल दिया था, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो दोनों आकर बैठ गए, दोबारा से लड़ाई जो है वो शुरू हो गई। ठीक है बिलाल अकील, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।